नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। देखो, ये लास्ट यूनिट है आपकी आरबीएससी बायोलॉजी 12th की, जिसका नाम है ह्यूमन वेलफेयर और हेल्थ, ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। इससे पहले कि 9 यूनिट मैं अपलोड कर चुका हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको वो यूनिट पसंद आई होगी। उससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। देखो, ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और वो होंगे टोटल 4 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट काम में लिया जाता है टाइफाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुषों व महिलाओं में जन्म नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले स्थायी तकनीक, स्थायी तकनीक का मतलब होता है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड से हम 2 तरीके की तकनीक काम में लिए थी, एक तो था वेसेक्टोमी और एक था ट्यूबेक्टोमी। तो वो स्थायी तकनीक है जिसमें जन्म नियंत्रण को कंट्रोल किया जा सकता है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, अंडे उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं लेयर्स। अंडे उत्पादन के लिए जो मुर्गियां काम में ले जाती हैं उनको बोलते हैं लेयर्स। 4th नंबर क्वेश्चन है, ESR ज्ञात करने की 2 विधियों का नाम लिखिए। ESR ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक को बोलते हैं वेस्ट ग्रेन और एक को बोलते हैं विंट्रोब, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र का नाम बताइए। तो इसको बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतःस्रावी तंत्र की विकारों के निदान में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो अंतःस्रावी तंत्र के लिए हम काम में लेते हैं रेडियो इम्यून एसे, जिसको बोलते हैं RIA, रेडियो इम्यून एसे। नेक्स्ट है, SQUID स्क्विड का पूरा नाम बताइए। इसका नाम है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इनफेरेंस डिवाइस, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इनफेरेंस डिवाइस। नेक्स्ट है, जन्म वृद्धि क्या है? जन्म वृद्धि का मतलब, जन्म वृद्धि जैसे कंटिन्यू जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण, और जनसंख्या वृद्धि को एक ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफियल निरूपण के द्वारा प्रदर्शित करने को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि वक्र। 9th नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियों में IUD क्या है? IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ऐसी युक्तियाँ जो डायरेक्ट यूटरस के अंदर ट्रांसफर की जाती है। 10th नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी के 500 प्रकारों में से, देखो प्रतिरक्षी के 5 प्रकारों को याद करने की एक ट्रिक है, जीमा ईद, GMAED, ईद पे जीमना होता है ना, जीमना मतलब भोजन के लिए जाना, तो जीमा, GMAED, ये 5 प्रकार हो गए, और इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रकार पाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो प्रकार है मुख्यतः अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी जिनका अलग अलग तरीके का फंक्शन होता है, और इसमें जो जी है वो मुख्यतः सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, कालाजार रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कालाजार रोग का रोगकारक का नाम है लिस्मानिया, एक प्रोटोजोन है। नेक्स्ट है, 12th है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हो? ऐसे रोग जो संक्रमण से फैलते हैं उनको क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत में कार्यरत 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम बताइए। तो 2 अनुसंधान केंद्र हैं, एक का नाम है केंद्रीय स्थलीय मत्स्य संस्थान, और दूसरे का नाम है केंद्रीय लवणीय मत्स्य शोध संस्थान। नेक्स्ट है, कुल श्वेताणु गणना किसके द्वारा की जाती है? इसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर द्वारा काउंट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15, 1 मार्क्स में, RIA में सूचक का कार्य कौन करता है? तो RIA में सूचक का कार्य करता है रेडियो आइसोटोप, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें आपको एक बात बताऊं कि इसमें आपके एक ऑप्शनल क्वेश्चन आना है, इसका मतलब 2 मार्क्स में आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें, MRI तकनीक CT स्कैन से किस तरीके से अधिक श्रेष्ठ और निरापद है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे श्रेष्ठ है ये MRI तकनीक, कैसे आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, ESR ज्ञात करने की वेस्ट ग्रेन विधि का संक्षेप में वर्णन, तो इस विधि के बारे में आपको बताना है। 18 है,
में सामाजिक संगठन को संक्षेप में लिखिए। तो मधुमक्खी में कौन कौन से तरीके की अलग अलग तरीके की कंडीशंस होती हैं, उसमें अलग अलग तरीके की मतलब उनको कार्य के आधार पर अलग अलग तरीके के जीव बन जाते हैं। उसमें एक नर मधुमक्खी है, मादा मधुमक्खी है, श्रमिक है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन 19 एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 20 है मलेरिया, जुकाम, एमीबोइसिस व कैंसर के रोगजनक का नाम लिखना आपको। 21 है निष्क्रिय प्रतिरक्षा में सक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर आपको बताना है इसमें। और 22 है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में अंतर बताइए। तो दोनों सर्जिकल मेथड है, इसके बारे में आपको बताना है। 23 है एस व जे आकार के वृद्धि वक्र में अंतर बताइए। एस और जे के अंदर आपको अंतर बताना है। 24 है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में क्या अंतर है, ये 24। 25 रिट्रोवायरस की प्रतिकृति का नामांकित चित्र बनाइए, इसका नामांकित चित्र बनाकर आपको इसको बताना है। 26 है प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र के बारे में बताइए, तो प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है उसके बारे में बताना है। और 27 है एचआईवी का नामांकित चित्र बनाइए, तो एचआईवी जो एड्स है उसका नामांकित चित्र आपको बताना है। ओके, तो इस तरीके से ये लास्ट यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से मैंने टोटल 1 से लेकर 10 यूनिट अपलोड किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इसको आप अगर ढंग से पढ़ते हो, कॉन्शियसली पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ते हो, तो 56 out of 56 क्वेश्चंस या मार्क्स के आप सॉल्व करने की काबिलियत गेन कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप कॉन्शियसली मन लगा के पढ़ना। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपका पेपर बहुत ही बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।